हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे इस चैनल आरबीएस फिजिक्स पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं, ऑल करें, जिससे कि हमारे वीडियो के अपलोड होते ही इसके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। हम लोग अब ये प्रत्यावर्ती धारा पढ़ते हैं। प्रत्यावर्ती धारा पढ़ने के पहले हम लोग ये जो पिछला हम लोगों ने पढ़ा है उसे एक बार हम याद करते हैं। हम लोगों ने इसके पहले स्थिर विद्युत पढ़ा है, फिर धारा विद्युत पढ़ा है। धारा विद्युत में हम लोगों ने पढ़ा है उसे कहते हैं दिष्ट धारा। हम लोगों ने इसके पहले दिष्ट धारा पढ़ा है। दिष्ट धारा जिसे कहते हैं डायरेक्ट करंट यानी डीसी, डायरेक्ट करंट डीसी, इसे हम डीसी कहते हैं। अब डायरेक्ट करंट में हम लोगों ने जो करंट का मुख्य स्रोत है वो बैटरी होती है, और बैटरी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि बैटरी के अंदर दो टर्मिनल होते हैं, इसके दो टर्मिनल्स हैं, एक को हम प्लस कहते हैं और एक को माइनस कहते हैं। और अगर बाह्य परपथ को हम जोड़ देते हैं तो इसमें धारा जो बहती है वो प्लस से माइनस की ओर बहती है, ऐसी कन्वेंशनल धारा की दिशा को माना गया है। वैसे तो जो हमारा सेल है, सेल में ये ऋण है, ऋण का मतलब यह है कि इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रोलाइट है उसने इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाला और इसने इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल करके अपने में खींच लिया। इलेक्ट्रॉन के प्रति इसकी एफिनिटी ज़्यादा है, आकर्षण ज़्यादा है, और इसकी तुलना में इसमें ज़्यादा आकर्षण है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम हो गई, यहाँ इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज़्यादा हो गई, इसीलिए यह धन आवेशित हो गया, ऋण आवेशित हो गया। यहाँ इलेक्ट्रॉन का प्रेशर ज़्यादा हो गया जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर, इसे हम विभवांतर भी कहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन का प्रेशर यहाँ ज़्यादा है, अगर इसको हम जोड़ते हैं तो अगर इस नियम से देखा जाए तो जो चीज़ ज़्यादा होती है वही चीज़ बहती है, तो इसको इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर आना चाहिए, आता भी है, इलेक्ट्रॉन ही चलता है। लेकिन जब धारा के बारे में बाकी का अध्ययन किया गया था उस समय इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी नहीं थी, तो ये मान लिया गया था कि जो कुछ बहता है यानी आवेश बहता है या धारा बहती है तो धन से ऋण से ऋण को बहती है। इसलिए आज भी हम कन्वेंशनली पारंपरिक रूप से यही मानते हैं कि हमारी धारा की दिशा धन से ऋण की ओर होगी। अगर इलेक्ट्रॉन की दिशा का हम अध्ययन कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन किधर को जा रहा है, तो उस समय हम ये ध्यान में रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन हमेशा धारा से उल्टी दिशा में जा रहा है। लेकिन फिलहाल यहाँ तो धारा की बात आ रही है, तो धारा धन से ऋण की ओर बहती है, ये हम लोगों ने देखा है। ये जो धन से ऋण की ओर धारा बहती है, इस सेल से हम धारा ले रहे हैं, ये कभी ऐसा नहीं होगा कि ये धन बदल जाए। जो धन है वो धन ही रहेगा, जो ऋण है वो ऋण ही रहेगा। अगर सामान हम सेल को लेते हैं तो ये कापर की क्षण होती है और ये जो ऋण वाली है जस्ते की क्षण होती है, और इसलिए जस्ते की क्षण हमेशा ऋण ही रहेगी और कापर की क्षण हमेशा धन ही रहेगी। धारा भी एक ही दिशा में चलेगी, हमेशा इस कापर से जस्ते की ओर ही चलेगी। मान भी इसका स्थिर बना रहेगा। इसकी प्लेटों के बीच का जो विद्युत वाहक बल है, जो विभवांतर है, उसमें भी अंतर नहीं आएगा। और उसको अगर थोड़ा सा हम इस प्रकार देखें एक ग्राफ से, तो समय के सापेक्ष अगर इसका विद्युत वाहक बल को हम देखते हैं तो विद्युत वाहक बल का मान स्थिर रहता है। जितना है, अगर 1.5 वोल्ट का सेल है तो इसके सिरों के बीच का विभवांतर 1.5 वोल्ट ही रहेगा। अगर धारा मान लीजिए ये 1 एम्पियर दे सकती है तो धारा इसकी 1 एम्पियर ही हमको मिलेगी। तो इस तरह से इसका जो मान है डीसी में, डायरेक्ट करंट में, वो स्थिर है, और साथ ही साथ इसकी दिशा भी एक है, यानी ये हमारी टाइम समय अक्ष है, इसके ऊपर धन होता है, इसलिए जो धारा है हमारी वो धन से ऋण की ओर बह रही है। इसके नीचे होती तो होता कि दूसरी दिशा में भी जा रही, उल्टी दिशा में ऋण से धन की ओर जा रही, लेकिन ये धन से ऋण की ओर जा रही, एक ही दिशा में है। तो जो दिष्ट धारा होती है उसमें परिमाण यानी धारा का मान यौम दिशा निश्चित होती है, स्थिर होती है। हम उसे डीसी कहते हैं। अभी तक हम लोगों ने डीसी शब्द प्रयोग नहीं किया था, हम लोगों ने धारा आवेश ऐसा ही प्रयोग किया था। लेकिन चूंकि यहां पर एक दूसरे प्रकार की धारा का अध्ययन करने जा रहे हैं, इसलिए चूंकि एक ही दिशा में जा रही धारा, इस धारा जिसका मान भी स्थिर है और दिशा भी स्थिर है,
इसे हम डीसी कहते हैं या दिश धारा कहते हैं। दिश धारा में एक ही जो परपथीय तत्व है, जो सर्किट एलिमेंट है, वो प्रतिरोध होता है जो धारा को ओम के नियम के हिसाब से नियंत्रित करता है। यानी इसमें जिस तत्व का हम प्रयोग करते हैं, तत्व यानी एलिमेंट जिसे कहते हैं सर्किट एलिमेंट, वो आर है। अब वो आर ही इसको नियंत्रित करता है वी इक्वल टू आई आर के हिसाब से। आर का मान ज़्यादा हो जाएगा तो धारा कम हो जाएगी, आर का मान कम हो जाएगा तो धारा ज़्यादा हो जाएगी, आर का मान ज़्यादा हो जाएगा धारा स्थिर रहेगी तो बी का मान ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से धारा के मान को, विद्युत वाहक बल के मान को कंट्रोल करने वाला, डीसी में नियंत्रित करने वाला केवल एक तत्व है, वो है प्रतिरोध। अब ये तो हो गया डीसी, डीसी में हमने लोगों ने कार्य निकाला, डीसी हम लोगों ने उष्मा निकाली, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डीसी में निकाली। लेकिन अब एक दूसरी प्रकार की धारा है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा को पढ़ने के पहले आइए हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली को घुमाते हैं और देखते हैं कि उससे हमको प्रेरित विद्युत वाहक बल जो प्राप्त होता है वो कैसा होता है। ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र है। सपोज ये एन है, ये एस है, क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं। क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं। अब इस क्षेत्र रेखा में हमने एक कुंडली रखी, एक कुंडली है, वो कुंडली इस तरह से बनाया। तो हमने सिंपल कुंडली इस तरह से है, हमारी ये जो कुंडली है इस तरह से है। इस कुंडली का एक सिरा यहाँ पर किसी छल्ले को छूता है और इसका दूसरा तार आगे चला गया और किसी दूसरी जगह एक छल्ले को ये छूता है। अब आप यहाँ ध्यान से देखें, इस कुंडली को, जो हमारी कुंडली है ए बी सी डी, यहाँ पर देखने में लगता है कि ए बी सी डी जो ये क्षेत्र रेखाएँ जा रही हैं या जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके ये समानता है। यानी इसका जो कुंडली है, इसका जो क्षेत्र है, क्षेत्र इसका क्षेत्रफल सरफेस, ये इन क्षेत्र रेखाओं के समानांतर है। हमने आपको बताया है कि किसी भी कुंडली का जो क्षेत्र होता है, कुंडली का जहाँ तक चुंबकीय क्षेत्र का सवाल आता है या किसी विद्युत कुंडली, विद्युत में कुंडली का प्रश्न आता है, वहाँ पर जो कुंडली का क्षेत्रफल होता है उसको हम वेक्टर लेते हैं। अब कुंडली के क्षेत्रफल को अगर वेक्टर ले लेते हैं तो उसका जो दिशा होती है उस वेक्टर की, क्षेत्र वेक्टर की, वो ठीक उस कुंडली के लंब होती है, इस तरह होती है। अब आप यहाँ देखें, ये कुंडली का लंब इस दिशा में है और बल रेखाएँ इस दिशा में है, तो दोनों के बीच 90° का कोण है, 90° का कोण है, राइट। जब 90° का कोण होगा तो इनके बीच से जाने वाले जो फ्लक्स होगा वो जीरो होगा। हम क्या करते हैं, इस कुंडली को लंबवत रखते हैं, लाइक दिस, इस तरह इस कुंडली को हमने लंबवत रखा, यानी कुंडली का जो क्षेत्र वेक्टर है वो क्षेत्र रेखाओं के समानांतर हमने इस तरह से रखा। कुंडली में पहली बात तो फेरों की संख्या मान ली, फेरों की संख्या, कुंडली में फेरों की संख्या n, क्षेत्रफल s, क्षेत्रफल s वेक्टर राशि, वेक्टर मान लेते हैं यहाँ पे, क्षेत्रफल s, चुंबकीय क्षेत्र बी, चुंबकीय क्षेत्र बराबर बी। अब यहां से ध्यान से देखें, यदि कुंडली को हमने लंब दिशा में रखा है या हमने कुंडली को इस दिशा में रखा ऐसे, तो सारी के सारे
जो बल रेखाएं हैं इसके लंबवत रहेंगी, कुंडली को ऐसे रख देंगे तो जीरो रहेंगी। हमने मान लिया कि कुंडली को घुमाया और किसी भी समय टी पर ये कुंडली का जो क्षेत्र वेक्टर है वो बल रेखाओं के साथ थीटा कोण बनाता है। कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में ओमेगा कोणीय वेग वेग से घुमाते हैं। ओमेगा कोणीय वेग से घुमाने का मतलब कोणीय वेग हमारा स्थिर है, ओमेगा कोणीय वेग है जो उसी स्थिर कोणीय वेग से घुमा रहे हैं। तो कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में ओमेगा कोणीय वेग से घुमाते हैं। मान लिया किसी क्षण टी पर, कोई समय टी है, उस समय कुंडली का क्षेत्र सदिश यानी एरिया वेक्टर किसी क्षण टी पर कुंडली का क्षेत्र सदिश मान लिया चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाता है। चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाता है। अब यहां पर इस तरह देखिए, जो हमारी कुंडली है वो चुंबकीय क्षेत्र में ये कुंडली घूम रही है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, इस चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली ऐसे घूमती है, ऐसे यहाँ पर इस तरह बना है क्योंकि ये तल समतल है, कुंडली ऐसे है, चुंबकीय क्षेत्र है। जब ऐसे कुंडली रहेगी तो ये इसके समानांतर रहेगा, कुंडली का लंब इस दिशा में रहेगा, ये कुंडली का लंब है, कुंडली ऐसे घूमती है, ऐसे इसका लंब से घूमेगा, कुंडली का जो क्षेत्रफल वेक्टर है वो इसे घूमेगा। तो एक बार कुंडली ऐसे समतल समांतर आ जाएगी, फिर कुंडली इसके लंबवत हो जाएगी, फिर ऐसे घूमती रहेगी ऐसे कुंडली। एक स्थिर कोणीय वेग है ओमेगा, उससे इसको हम घुमा रहे हैं, एक कोणीय वेग से घुमा रहे हैं। मान लिया किसी क्षण ऐसे हो गई, इस स्थिति में है, मान लिया किसी समय ये इस तरह है, यानी इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके साथ ये थीटा कोण बनाता है, थीटा कोण। तो किसी भी क्षण जो कुंडली का लंब है वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ, ये कुंडली का लंब है, ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ, ये है आपका यस और ये है आपका चुंबकीय क्षेत्र बी, इसके साथ थीटा कोण बनाता है। किसी भी क्षण क्षेत्र वेक्टर यस कुंडली का क्षेत्र सदिश चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाता है, क्षेत्र सदिश यस है और इसलिए कुंडली से संबद्ध, उससे होकर जाने वाले संबद्ध फ्लक्स फाई फाई कहते हैं फ्लक्स को, क्योंकि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र ही प्रयोग कर रहे हैं इसलिए इसको फाई बी लिखें या केवल फाई लिखें बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, फाई बी लिखते हैं, बी माने चुंबकीय क्षेत्र, ई माने विद्युतीय क्षेत्र, तो आप इसको फाई भी लिख सकते हैं और इसको फाई बी भी लिख सकते हैं। कितना होगा, यह होगा फेरों की एक फेरे से संबंधित जो फ्लक्स होगा वो हो जाएगा बी इंटू यस बी डॉट यस, ये वेक्टर क्वांटिटी है,
और अगर यन फेरे हूँ, कुल हमने यन फेरे लिए, तो ये यन गुणा और हो जाएगा, तो हो जाएगा यन बी डॉट एस, जो बराबर हो जाएगा यन बी एस कास थीटा, एन बी एस कास थीटा। यह हुआ इससे संबंधित फ्लक्स किसी समय टी पर। इसलिए जब कुंडली लगातार घूम रही है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, और उस चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण इस कुंडली में विद्युत वाहक बल पैदा हो रहा है। इसलिए कुंडली में पैदा होने वाला विद्युत वाहक बल और इसलिए कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ई बराबर माइनस डी फाई बी अपान डी टी। जब कुंडली घूम रही है उसमें फ्लक्स परिवर्तन हो रहा, लगातार बदलता रहता है कुंडली। आज थीटा पर हो गई तो इतना हो गया, 90 अंश पर हो गई तो थीटा का मान यानी जीरो हो गया और फिर जीरो फ्लक्स हो गया। इस तरह से जैसे जैसे कुंडली बदलती जा रही वैसे वैसे फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो इस कुंडली के में प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा होगा। या ई इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी, फाइव बी का मान रख देते हैं, यन बी यस कास थीटा। यन स्थिर है बाहर आएगा, बी भी स्थिर है बाहर आएगा, यस भी स्थिर है ये बाहर आएगा, ये कुंडली के लिए फिक्स है, क्षेत्र बदल नहीं रहा है, बी भी स्थिर है, और ये आपका यन नंबर ऑफ टर्न्स हैं ये भी फिक्स है। तो ये आया कास थीटा। कास थीटा का जो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, अवकलन लेते हैं, तो कास थीटा का आता है माइनस साइन थीटा। ये माइनस और साइन थीटा का माइनस खत्म हो जाएगा, यहाँ आपका बचेगा साइन थीटा। यहाँ साइन थीटा बचा, जो माइनस था इसके माइनस से साइन थीटा के माइनस से खत्म हो गया। फिर थीटा का करेंगे तो आपका आएगा डी थीटा अपान डी टी। कास थीटा का अवकलन करेंगे साइन थीटा आएगा, थीटा का करेंगे डी थीटा अपान डी टी आएगा, और इसीलिए ई का मान आया डी थीटा अपान डी टी बराबर ओमेगा कोणीय वेग। डी थीटा अपान डी टी बराबर कोणीय वेग, तो आपका आ गया यन बी यस ओमेगा साइन थीटा। दिस इज साइन थीटा, दिस इज ओमेगा। चूंकि डी थीटा अपान डी टी बराबर ओमेगा कोणीय वेग है। अब यहां पर आप देखें ध्यान से कि जो हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा हो रहा है वो थीटा पर निर्भर करता है, यानी ये फिक्स नहीं है। इस विभवांतर का, इस विद्युत वाहक बल का मान स्थिर नहीं है। हमने लोगों ने इसके पहले अभी डीसी पढ़ा था, जहां देखा था कि विद्युत वाहक बल जो सेल से मिलता है वो स्थिर रहता है, लेकिन ये यहाँ ये स्थिर नहीं है, थीटा पर निर्भर करता है। थीटा पर भी निर्भर करेगा, और ये कास थीटा पर भी निर्भर करेगा, साइन थीटा पर भी निर्भर करेगा। इसका अधिकतम मान इस विद्युत वाहक बल का कब होगा? जब साइन थीटा का मान 90 हो जाए। अगर थीटा बराबर 90 हो जाए तो साइन थीटा बराबर है, यही अधिकतम मान है। और उस समय
विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान होगा और वो होगा एन बी एस ओमेगा, क्योंकि साइन थीटा बराबर है। इसलिए विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान थीटा बराबर 90 पर होगा, और इसीलिए ई मैक्सिमम इसका महत्तम मान ये बराबर होगा एन बी एस ओमेगा, और इसको हम दिखाते हैं ई जीरो से, इसको हम ई जीरो से दिखाते हैं। ये है ई जीरो, जो ई मैक्सिमम है उसको इसमें हम ई जीरो से दिखाते हैं, और इसलिए ई इज इक्वल टू ई जीरो साइन थीटा, चूंकि डी थीटा अपान डी टी बराबर ओमेगा, इसलिए थीटा बराबर ओमेगा टी हमने यहाँ रख दिया। इसलिए हमें जो विद्युत वाहक बल इस कुंडली के अंदर मिला वो बराबर मिला साइन ओमेगा टी। आप यहाँ ध्यान से देखें, जो ये विद्युत वाहक बल है ये वैसा विद्युत वाहक बल नहीं है जैसा हमको किसी भी बैटरी से प्राप्त होता है। यहाँ पर जो विद्युत वाहक बल हमें मिल रहा है उसमें अधिकतम मान तो उसका ई जीरो है, लेकिन वो मान स्थिर नहीं है, वो अधिकतम मान हमेशा रहता नहीं है, वो लगातार बदल रहा है, वो निर्भर करता है टी पर, समय पर, ओमेगा टी पर। ओमेगा तो स्थिर कोणीय वेग है उस कुंडली का, जो कुंडली जिस कोणीय वेग से घूम रही है ये उसका मान है, लेकिन ये टी पर निर्भर करता है। इसका ये मतलब हुआ कि ये विद्युत वाहक बल का ना तो परिमाण स्थिर है और ना इसकी दिशा स्थिर है, इसमें परिमाण और दिशा दोनों बदल रहे हैं। इस तरह का समीकरण हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट पेपर में सरल आवर्त गति में, वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, वहाँ भी था साइन ओमेगा टी, यानी आवर्ती क्रम से बदल रहा है, एक निश्चित समय पर बदल जाता है, एक निश्चित समय पर फिर वही बात आ जाती है। जैसे किसी भी लोलक को अगर हम दोलन करा दें तो जहाँ से वो चलता है वहीं फिर वो घूम करके आ जाता है, उसी स्थिति में आ जाता है, ये आवर्ती गति है। और इसका अगर समीकरण लिखेंगे तो लिखते हैं वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, जहाँ पर ये इसका अधिकतम विस्थापन है जिसको हम आयाम कहते हैं, और वाई किसी भी समय का विस्थापन। बस वैसा ही समीकरण यहाँ भी है, ई इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी, राइट। अब ई जीरो साइन ओमेगा टी, ई इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी में आप ध्यान से देखें तो ये आवर्ती क्रम से इसका परिमाण भी बदल रहा है, मान भी बदल रहा है, इसकी दिशा भी बदल रही है। यहाँ विद्युत वाहक बल का परिमाण यानी मान, परिमाण यौम दिशा दोनों आवर्ती क्रम से बदल जाते हैं। आवर्ती क्रम से बदल रहे हैं तो वह विद्युत वाहक बल जहां परिमाण और दिशा दोनों आवर्ती क्रम से आवर्ती रूप से बदल जाते हैं उसे हम एक नया धारा या नया विद्युत वाहक बल, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल या प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। जब बहेगी, जब बंद परपथ होगा तो धारा बहेगी, उसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहेंगे, अल्टरनेटिव करंट कहेंगे। अगर धारा नहीं बह रही होगी तो हम प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल कहेंगे। अब यहाँ पर एक ध्यान देने की बात है कि इसमें
आवर्ती बल से ये बदल रहा है। इसमें जो अधिकतम मान है ई तो उसका किसी भी समय पर मान है, ई जीरो उसका अधिकतम मान है, और किस तरह से वो बदलता है साइन या कोसाइन के हिसाब से वो यहाँ दिया हुआ है। ध्यान रखेंगे, इसे हम साइनोसॉइडल कहते हैं, यानी इसमें जो इसका ग्राफ आएगा वो साइनोसॉइडल कहलाता है, इसमें साइन या कास दोनों से होगा। अगर इसका ग्राफ हम खींचते हैं तो इस तरह से प्राप्त होता है। हमने आपको बताया कि जब डीसी का खींचते हैं तो समय के सापेक्ष वो केवल एक दिशा में रहता है, हमारी जो डीसी है उसका मान केवल एक दिशा में बहता है और उसका विद्युत वाहक बल बिल्कुल फिक्स रहता है, उसका विद्युत वाहक बल फिक्स है। ये तो हुआ डीसी, ध्यान रखें ये डीसी है। लेकिन जो एसी है उसका मान फिक्स नहीं है, उसका मान जीरो से शुरू होता है, जब टी बराबर जीरो पर स्टार्टिंग पर जीरो पर रहेगा। जैसे जैसे टी का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसका मान बढ़ता जाएगा, और जब इस साइन ओमेगा टी का मान 90 हो जाएगा तो इसका मान 1 हो जाएगा, तो ये अधिकतम पर पहुंच जाएगा। तो ये गया, इसका मान अधिकतम हुआ, फिर आ गया जीरो पर आ गया, यानी अपने अधिक एक तरफ अधिकतम पर पहुंचा, एक तरफ धारा अधिकतम हुई, घटते घटते फिर जीरो हो गई। अब ये दूसरी दिशा में बहेगी, जो सिरा इसका धन था वो ऋण हो जाएगा, जो सिरा इसका ऋण था वो धन हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर मान लीजिए धारा इधर से गई इधर से बही तो आधे चक्र के बाद फिर धारा इधर से जाएगी इधर से बहेगी, यानी एक बार धारा उसी तार में अगर जुड़ी हुई हो, यह हमारा लोड है और यहाँ से एसी जोड़ी गई है, तो एक बार धारा इस दिशा में चलेगी, जीरो से स्टार्ट हुई अधिकतम मान तक पहुँची, उसके बाद फिर घटनी शुरू हुई और फिर जीरो हो गई, इसके बीच का विभवांतर अब कुछ भी नहीं है। अधिकतम हुआ, पहले जीरो था, कोई भी इसके अंदर विभवांतर नहीं, बढ़ते बढ़ते अधिकतम हो गया, उसके बाद फिर ये घटते घटते जीरो हो गया। अब उल्टा हो गया, जो धन था वो ऋण हो गया, जो ऋण था वो धन हो गया, अब करंट उल्टी दिशा में बहेगी, अब ये उल्टी दिशा में बहेगी, बहते बहते दूसरी दिशा में अधिकतम हुआ, अब फिर घटते घटते फिर जीरो पर आ गया। तो ये तो हमारी डीसी है जो फिक्स है, एक ही दिशा में बहती है, इसका मान भी स्थिर है, दिशा भी स्थिर है, एक ही दिशा में बहती। लेकिन ये एसी है, ये हमारी एसी है, एसी ये एसी है, इसमें ना तो मान स्थिर है ना दिशा स्थिर है, मान भी स्थिर नहीं, ऊपर गया जीरो हो गया, दिशा भी बदल गई, अब इधर को बहेगी फिर जीरो आएगी। तो एक बार धारा एक तरफ बहते बहते अधिकतम पर जाती है, फिर घटते घटते जीरो पर आती है, हम कहते हैं कि ये आधा चक्कर हो गया, क्योंकि ये इतनी धारा तब पैदा होगी, इतना विद्युत वाहक बल तब पैदा होगा जब कुंडली आधा चक्कर लगा लेगी। कुंडली जब आधा चक्कर और लगाने लगेगी तब तो उल्टी दिशा में धारा उसमें बहेगी और ये उल्टी दिशा में धारा। जब कुंडली का एक चक्कर पूरा हो जाएगा तो हमें इतना विद्युत वाहक बल मिलेगा, हम इसको कहते हैं कि यह हमारे विद्युत वाहक बल का एक चक्कर है, इसको कहते हैं हमारे विद्युत वाहक बल का ये एक चक्कर है, तो ये हमारे विद्युत वाहक बल का भी एक चक्कर है। एक चक्कर यानी जब एक जीरो से शुरू हो अधिकतम तक जाए फिर जीरो पर आए, दिशा बदल के दूसरी तरफ अधिकतम पर जाए और फिर जीरो पर आ जाए, तो ये हम एसी का हमारा एक चक्र कहलाता है। और ये एसी का जो एक चक्र होता है वो जो कुंडली इस को पैदा कर रही है उसके भी एक चक्र के बराबर है। ध्यान रखेंगे एसी सेल से पैदा नहीं होती, एसी जब भी पैदा होगी किसी भी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने पर ही पैदा होगी। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान देने की है कि ये जो एसी है, यहाँ पर हमने देखा कि ये तो जीरो समय हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक इसका एक चक्कर लगा, एक चक्कर का जो समय होता है उसको हम कहते हैं आवर्तकाल, ये आवर्तकाल है, जिसे हम कहते हैं टाइम पीरियड, ये आवर्तकाल है टी, एक चक्कर का जो समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं,
या इस कुंडली के घूमने का जो समय हुआ एक चक्कर लगाने का, उसे हम आवर्तकाल कहते हैं। ये एक तरफ का जो हिस्सा है उसको ये इसको कहते हैं टी बाई टू। एक तरफ अधिकतम होने में आवर्तकाल का चौथाई समय लगता है और दूसरी तरफ अधिकतम मान होने में आवर्तकाल का तीन चौथाई समय लगता है। और फिर इसके बाद पूरे एक कंपन में जो एसी है वो फिर एक चक्कर पूरा लगा लीजिए। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि जो एसी हमारी है उसका जो अधिकतम मान होता है जिसको हम कहते हैं ई जीरो, इसको हम इस एसी के भाषा में शिखर मान कहते हैं, जबकि सरल आवर्त गति में हम इसको आयाम कहते हैं। तो इस एसी के आयाम को हम शिखर मान बोलते हैं, शिखर मान, शिखर मान यानी पीक वैल्यू। अधिकतम मान को हम पीक वैल्यू कहते हैं। तो ये पीक वैल्यू है। जितना समय लगता है टी, इसको हम कहते हैं आवर्तकाल, कितने समय में इसने एक चक्कर पूरा किया, आवर्तकाल। आवर्तकाल टाइम पीरियड, और तीसरी चीज है कोणीय वेग। इस कुंडली का एक सेकंड में घूमा गया कोण, क्योंकि इस कुंडली के घूमने से ही विद्युत पैदा होती है इसलिए यहां भी ओमेगा है। यद्यपि जो विद्युत है वो तो घूमती नहीं है, वो कोण में नहीं घूमती, लेकिन यहाँ पर ओमेगा है इसलिए इसका संबंध इसकी आवृत्ति से है, इसकी आवृत्ति से है। जो इसकी आवृत्ति है, आवृत्ति, आवृत्ति हम लोगों ने पहले पढ़ा भी है, आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को कुछ जगह इसको यफ से दिखाते हैं और कुछ जगह कुछ किताबों इसको न्यू से दिखाते हैं। हम न्यू का भी प्रयोग करते हैं और यफ का भी प्रयोग करते हैं। ये न्यू है, ये यफ है, हम दोनों का इस्तेमाल फ्रिक्वेंसी के लिए करते हैं। सामान्यता यांत्रिकी में सरल आवर्त गति जो हम लोगों ने पढ़ा वहाँ हम लोगों ने यन का प्रयोग किया था, तो यन का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम यन का प्रयोग सामान्यता नहीं करते, यहाँ पर हम यफ या न्यू का आवृत्ति के लिए प्रयोग करते हैं। अब हम जानते हैं आवृत्ति क्या है। ये एक चक्कर, ये इसका एक चक्र पूरा हुआ, उसके बाद फिर एक चक्र पूरा होगा, फिर एक चक्र पूरा होगा, वहीं से फिर रिपीट होगा, यानी यही क्रिया बार बार रिपीट होगी। तो एक सेकंड में कुल जितने चक्र वो एसी लगाती है उसे हम आवृत्ति कहते हैं। प्रति सेकंड, प्रति सेकंड चक्रों की संख्या वो आवृत्ति कहते हैं। हम लोगों ने देखा ओमेगा, कोणीय वेग। जो कोणीय वेग है जिसको हम कोणीय वेग कहते हैं, इसको कोणीय आवृत्ति भी कहते हैं, इसी को कोणीय आवृत्ति भी कहते हैं। कोणीय वेग और कोणीय आवृत्ति, ओमेगा, एक सेकंड में जितने कोण से कुंडली घूमी वो ओमेगा है, लेकिन ये आवृत्ति से जुड़ा हुआ है। ओमेगा बराबर होता है टू पाई यफ या टू पाई न्यू, टू पाई यफ या टू पाई न्यू, जो भी चाहे वो लिख लें।
ओमेगा बराबर 2 पाई f, जो f है वो आवर्त काल का इन्वर्स होता है, यही बराबर हुआ 2 पाई बटा t। तो ये भी इसका संबंध है और ये भी इसका संबंध है। ये तो हो गया हमारा एसी के बारे में कि एसी क्या चीज है। तो ये बात तो मेरा ख्याल स्पष्ट हो गई कि जब भी किसी सेल से धारा लेते हैं तो उस धारा की दिशा फिक्स रहती है, स्थिर रहती है, और उस धारा का परिमाण या उस विद्युत वाहक बल का परिमाण स्थिर रहता है। हम उसे डीसी कहते हैं, डायरेक्ट करंट कहते हैं। लेकिन अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को घुमा करके अब हम विद्युत पैदा करते हैं, कुंडली किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में अगर एक स्थिर कोणीय वेग से घूम रही होती है तो वो भी धारा पैदा करती है, विद्युत वाहक बल पैदा करती है, बिजली पैदा करती है, जिसमें धारा का परिमाण या विद्युत वाहक बल का मान और उसकी दिशा बदलती रहती है, वो स्थिर नहीं रहती है, वो भी विद्युत, लेकिन वो दूसरे प्रकार की विद्युत हो गई, बैटरी से या सेल से मिलने वाली विद्युत से बिल्कुल अलग है। इसमें मान भी बदलता है और दिशा भी बदलती है। इसी को हम अल्टरनेटिंग विद्युत वाहक बल या अल्टरनेटिंग धारा करंट कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर यह बात तो देख लिया हमने कि E इक्वल टू E0 sin ωt, इसमें ये ओमेगा एक तरह समझे उसकी आवृत्ति को प्रकट करती है, और ये जो ओमेगा टी पूरा है ये इसकी कला को प्रकट करता है। हम लोगों ने इसके पहले भी जब सरल आवर्तक पढ़ा हुआ तो वहाँ पर हम लोगों ने कला के बारे में पढ़ा था। अब यहाँ पर एक बात और स्पष्ट कर दें, हमने आपको बताया कि जो डीसी होती है उसमें हम एक ही तत्व का प्रयोग करते हैं धारा को नियंत्रित करने के लिए, और वो है आर। यही एक तत्व है जो प्रयोग होता है, और ओम का नियम लगाते हैं, वी इक्वल टू आई आर, एक संबंध है आई आर और बी के बीच का, इसी के आधार पर धारा का नियंत्रण डीसी में होता है जब हम बैटरी से धारा को लेते हैं। लेकिन एसी में केवल आर ही नहीं होता, एसी में दो तत्व और भी होते हैं जो धारा को नियंत्रित करने का काम करते हैं। एक होता है प्रेरकत्व, किसी भी कुंडली का स्वप्रेरकत्व। हम लोगों ने प्रेरकत्व अभी इसके पहले ही पढ़ा कि जब भी किसी कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित धारा पैदा हो जाती है, प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है, और एक एम्पियर धारा के कारण से जितना भी उसमें फ्लक्स उससे लिंक होगा उसे हम एल कहते हैं। दूसरी एक चीज़ और भी है, वो है सी, यानी संधारित्र के का की जो धारिता है वो भी एक तीसरा तत्व है जो धारा को नियंत्रित करने का काम करता है। तो ये बात हमें याद रखना है कि डीसी में तो केवल एक ही तत्व है जो धारा को नियंत्रित करता है, लेकिन एसी में तीन तत्व हैं जो करते हैं, आर एल सी, ये तीन तत्व, ये तीनों तत्व डीसी में, ये है आपका डीसी में और ये है एसी में धारा को नियंत्रित करने का काम ये तीन करते हैं। अब यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने तो डीसी ही पढ़ी है, हमने विभवांतर निकाला है तो डीसी का विभवांतर निकाला, किसी प्रतिरोध के अंदर धारा कितनी बह रही है तो वहाँ भी हमने डीसी ही निकाली, किसी सेल से कितनी धारा जा रही है, कितना काम हो रहा है, ये सारी चीज़ हमने निकाली थी। लेकिन यहाँ पर एक समस्या हमारे सामने है कि जब डीसी का हम प्रयोग करते हैं तो डीसी में हम सब जानते हैं, यानी डीसी में उस विभवांतर का मान जानते हैं। अगर डीसी कहीं है तो उस डीसी में अगर वो विद्युत वाहक बल है तो उस विद्युत वाहक बल का मान हमको दिया रहेगा, तो विद्युत वाहक बल का जानते हैं, इसका मान फिक्स है, बदल नहीं रहा है। और अगर धारा का ग्राफ है तो हमको धारा का पता है क्योंकि धारा का मान फिक्स, आई भी फिक्स, लेकिन यहाँ तो कुछ भी फिक्स नहीं है, ना इनके परिमाण फिक्स हैं और ना इनकी दिशा फिक्स है। तो फिर हम कहीं मान निकालेंगे
कहीं हम काम निकालेंगे कि कितना विद्युत काम कर रही है, तो एक समस्या आती है कि इसका मान कितना होगा। तब इसके मान के लिए हमारे पास जो तरीके हैं सामान्यता उनका इस्तेमाल करेंगे, हम इसका औसत निकालेंगे। ये जो पूरा मान यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, हम इसका औसत निकालेंगे। औसत, लेकिन ये यहाँ औसत निकालने में एक समस्या है कि ये प्लस है ये माइनस है, अगर हम जोड़ देंगे तो जीरो हो जाएगा, तो पूरे का औसत तो जीरो हो जाएगा। तो हम फिर एक तरीका निकालें कि इसका हम आधे का औसत निकाल लेंगे, आधे आधे के औसत से हम काम चला लें। लेकिन अगर इससे हमारा काम नहीं चलता तो फिर दूसरे प्रकार का भी हम एक औसत निकालते हैं, और इस तरह से औसत निकाल कर हम एसी को का अध्ययन करते हैं। और इस चैप्टर में हम इस नए प्रकार के जो विद्युत है उसका हम लोग प्रयोग करेंगे। ध्यान रखें यहाँ कि जो एसी है और जो डीसी है, प्रश्न ये आता है कि फिर ये एसी और डीसी में फ़र्क क्या है। इतना फर्क तो हम जान गए, लेकिन सबसे बड़ा फर्क ये है कि जो डीसी है उसका प्रोडक्शन करना महंगा है। दूसरे, अगर डीसी हम यहाँ पैदा करते हैं तो उसको कहीं भेज नहीं सकते, तार से भेजेंगे तो तार के रेजिस्टेंस में बहुत सारी ऊर्जा हमारी नष्ट हो जाएगी और थोड़ी दूर जाने के बाद उसका वोल्टेज डाउन हो जाएगा, ये हम नहीं कर सकते। तीसरी चीज़ है, इसके मान को हम कम ज़्यादा तुरंत नहीं कर सकते कि हमने वोल्टेज हमारा 100 वोल्ट है, वोल्टेज हम 5 वोल्ट कर दें, 4 वोल्ट कर दें, ऐसा कर नहीं सकते। हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था डीसी में वोल्टेज को कम करने की नहीं है। डीसी को वोल्टेज को कम करने के लिए हम रेजिस्टेंस लगाएंगे तो वहाँ ऊर्जा नष्ट हो जाएगी, तो इसीलिए डीसी का उपयोग हम बहुत नहीं कर पाते, एसी का ही उपयोग करते हैं। हमारे घरों में जो बिजली लगी हुई सभी एसी है, और वो एसी बिजली को एक जगह से ट्रांसमिट करना, एक जगह से दूसरी जगह प्रेषित करना आसान है, उस बिजली को पैदा करना आसान है, उस बिजली के वोल्टेज को कम ज़्यादा करके ट्रांसफार्मर के द्वारा हम एक जगह दूसरी जगह भेज देते हैं, वोल्टेज को कम करके या अधिक करके हम भेज देंगे या कम करके उसको यूज़ कर लेंगे। हम अपने उसी को, हम अपने जो हमारे बैटरी चार्जर्स हैं, जो हमारे मोबाइल चार्जर्स हैं, उसमें हम अपने घरों में जो 220 वोल्ट की बिजली आती है उसके द्वारा 220 को घटा के 3 वोल्ट में कर लेते हैं। अगर ये एसी नहीं होती, डीसी नहीं होती, तो ये हमारे लिए डिफिकल्ट रहता। तो इसलिए एसी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। ये बात दूसरी की खतरनाक है, करंट है, लग जाती है, मर जाते हैं लोग, क्योंकि दिशा बदलती रहती और इसलिए करंट खतरनाक करंट है। लेकिन फिर भी ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इसको हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, भेज सकते हैं, इसको पैदा आसानी से कर सकते हैं, इसका उपयोग बड़े आसानी से कर सकते हैं, इसको हम जब चाहें तो डीसी में बदल सकते हैं, ये सब कुछ कर लेते हैं। जहाँ जहाँ हमको डीसी की ज़रूरत होगी वहाँ इसको डीसी में बदल लेते हैं, इसीलिए हम सब जगह इसी का ही उपयोग करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस चैप्टर में किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन अथवा हमारे सोशल साइट्स पर जाकर पूछ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है।